सबसे बड़ी चुनौती ये जो नौजवान है, जो ये हमारे नई पीढ़ी है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यही हमारे नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे देश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और मोदी जी नौजवान का नाम नहीं देंगे, रोजगार का नाम बात नहीं करेंगे, किसानों के साथ न्याय हुए इसकी बात नहीं करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे, आपने मोदी जी को सुना पिछले 6-8 महीने में नौजवानों की बात करते हुए? आपने सुना किसानों की बात करते हुए जो कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा? मोदी जी 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख का नाम बता दीजिए। जो कहते थे किसान कृषि क्षेत्र को हम फायदे नफा का कब बनाएंगे? आज मोदी जी मैं आपसे प्रश्न पूछता, इसका जवाब दे दीजिए। आप तो बात करने लग जाएंगे पाकिस्तान की, ये क्या पाकिस्तान का सबक हमें सिखाने आए हैं? क्या पाकिस्तान का की बात करेंगे आप हमसे? किससे करेंगे? कांग्रेस से? याद है आपको इंदिरा गांधी की सरकार थी जब 90,000 पाकिस्तानी जवानों ने सरेंडर किया था अपने, याद है ये सब बातें? उस समय ये उसकी बात नहीं करेंगे, कहते मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करी? देश को कुछ तो बताइए सर्जिकल स्ट्राइक की।